मेरे स्क्रीन के साइड में चल रही तस्वीर में जो दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि जिस कांड को ये अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में आप भी इनका शिकार बन जाए। चेहरे से भले ही आपको मासूम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब आप इनके कारनामे सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है उसका नाम है सन्नी सिंह, और जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है उसका नाम है प्रदीप सिंह। इन दोनों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया, और जब आप इनके चूना लगाने के तरीके को सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों को बड़े ही बखूबी तरीके से ठगा। दरअसल इन दोनों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन जिस तरीके से ये लोगों को जाल में फंसाते हैं वो बड़ा ही खतरनाक है। इनकी गैंग की महिलाएं लोगों से बात करती है, उन्हें जाल में फंसाती है, और फिर उनको यकीन दिलाती है कि हम आपको आवास योजना के तहत घर दिला देंगे। सबसे पहले महिलाएं लोगों को बहला फुसला कर उनकी आईडी पर नया बैंक अकाउंट खुलवाती है, लेकिन प्रदीप सिंह और सन्नी सिंह इतने चालाक है कि SMS अलर्ट मोबाइल नंबर के तौर पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर उसी SMS अलर्ट के नंबर से एक UPI ID बनाते हैं, और फिर लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपये वसूलते हैं। बैंक खाते में लो बैलेंस दिखाकर मेंटेनेंस के चार्ज पर लाखों रुपए वसूलते हैं। इस तरह डेली ये शातिर 5 से 6 लोगों को जहां से मिले थे और उनसे 50 से 60 हज़ार रुपये वसूल लेते हैं। इन दोनों ने लोगों से 20 से ज़्यादा अकाउंट में रकम मंगवाई है, और फिर उस रकम को UPI ID या फिर ATM से निकालते हैं। जब कोई अपना पैसा वापस मांगने की डिमांड करता है तो उससे कहते हैं कि आपकी फाइल में जो खर्चा आया वो पैसा जमा कर दो, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस तरह के बहाने देकर लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन घर बैठे पैसे कमाने का तरीका जो है, इनका जो प्लान है, वो अब एक्सपोज हो चुका है। आपको बता दें, ये पूरा मामला UP के लखनऊ जिले का है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इस तरह की शिकायत आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया है, और अब पुलिस इस केस में गहराई से जाँच कर रही है कि इस गिरोह में कोई और तो शामिल नहीं है। अगर आपके पास भी इस तरह की स्कैम वाली कॉल आती है तो आप इनके जाल में ना फंसे और तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।